केसिटा में वापस आने की कितनी खुशी हो रही है। केसिटा में आ गई हूँ। क्या हुआ, कुछ बोलो, दादी को बता सकते हो। केसिटा, ये बदबू कैसी? मदद मदद दादी मदद। चिंता मत करो, पता तो चले क्या हुआ है। हाँ। यहाँ तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है। जरा बाथरूम में तो देखो। चमक रहा है, पैरों ने गंदा नहीं किया। एक मिनट, पैरों कहाँ है? पैरों पैरों तुम अभी तक नहाए क्यों नहीं? क्योंकि मैं छुट्टी पर हूँ और नहाना नहीं चाहता। तुम अभी बाथटब में जाओगे। पेरुनो, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। बाथटब में। इतना आसान नहीं। मैं अभी टैटी और लिली को बुलाती हूँ मेरी मदद के लिए। बेचारा केसिटा। एस्कोबिटा अंदर जाओ और पेरुनो को बाहर लाओ। कोई बात नहीं बच्चों, मैं जाकर लेकर आती हूँ। मेरा घर। देखो पेरुनो, नहाना तो पड़ेगा। नहीं नहाना। इतना आसान नहीं है। अब हम क्या करें? हमें पानी का बहाव तेज करना होगा। नहीं होगा। नहीं, साफ रहना सबसे जरूरी है। मुझे लगता है मिस्टर मॉर्निंग को बुलाना अच्छा होगा। दादी, कैसे याद किया? हमें आपकी मदद चाहिए। जरूर। कितनी बदबू है। मैंने तुम्हें हरा दिया। लड़कियों, ये सूट और सुपर एयर फ्रेशनर बैकपैक से हम इसे नहला देंगे। अब मैं क्या करूं? तीन की गिनती पर। एक, दो, तीन। मक्खियों का कवच। अरे नहीं, हम फेल हो गए। मैंने इन्हें फिर हरा दिया। दोस्तों, मैं अपने वेकेशन से वापस आ गया और तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। ये कैसी बदबू? और ये तुम्हें हुआ क्या है? शावर में। हाँ मिसिफू, आ रहा हूँ। Oh!
आखिरकार मिल ही गया। हाँ दोस्तों चिंता मत करो, अब देखना। मुझे नहीं पता, अभी देखती हूँ दोस्तों। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हम जादू की नगरी में आ गए हैं। हाँ माफ करना, लेकिन अभी हम नहीं पहुँचे हैं। क्यों? लेकिन क्यों, इतना बुरा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर देखती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उसे ठीक कर दूंगी। मच्छर, बताओ ये तुमने तो नहीं किया है ना? नहीं बिल्कुल नहीं टैडी, मैं तो सिर्फ एक ड्राइवर हूँ। तो फिर हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, अच्छा होगा कि हम चलकर खुद देखें। ट्रेन बिगड़ गई है। मदद मदद, मैं फंस गया हूँ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन अब हम क्या करेंगे टैटी? प्लीज नोब को खींचो, देखे कि ये खुलता है या नहीं। दादी, ये सब क्या हो रहा है? क्या बताऊं बच्चे, जादुई सर्दी की दुनिया का एक छोटा सा छेद खुल गया है और उसमें से दुष्ट टैटी और उसका वफादार मिसिफू भाग निकले हैं और इन्होंने ही पोर्टल को अपने वश में कर लिया है। अरे नहीं। हाँ बिल्कुल इसी तरह दुष्ट टैटी और मिसिफू भाग निकले। देखो वो वहाँ है। दादी हम वहाँ कैसे जाएंगे? पेरुनो चलो, मेरा मैजिक बैग खोलो और सीढ़ियों को ब्रिज की तरह इस्तेमाल करो। हाँ बिल्कुल दादी। जल्दी करो दोस्तों, हमें जल्दी उस तरफ जाना है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं तुम्हें ये बताऊंगी दोस्तों कि जादुई दुनिया के उस छेद को कैसे बंद करना है। अब हमें वो छेद ढूंढना है जो हमें गाते हुए मशरूम की दुनिया में ले चले, और वहाँ हमें एल्फ को ढूंढना है जो ड्रैगन एक्स का रक्षक है। उससे हमें वो औषधि मिलेगी जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हम छेद के बारे में नहीं जानते। मुझे 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 मत पता है, मेरे पीछे आओ। हमें उस पेड़ के तने से होकर जाना होगा जिसका आकार मशरूम की तरह है। चलो। चलो चलकर एल्फ को ढूंढते हैं। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मशरूम मुझे गाकर यहाँ की सारी घटना बताते हैं। तो ठीक है टैटी, इसके साथ एक म्यूजिकल नोट जो तुम्हें पकड़ना है उससे जादुई औषधि मिल जाएगी जिससे छेद पर छिड़कते ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हाँ। Oh, my God.